जिस प्रकार से पिछले 6 साल के अंदर बेटियां बचाने के लिए सरकार की ओर से विशेष प्रयास किए गए, बहुत सारी जगहों के ऊपर जो अवैध गतिविधियां करते थे, अवैध तरीके से गर्भपात करते थे, ऐसे कुछ डॉक्टर्स के ऊपर सख्त कार्रवाई भी हुई, सख्त कानून भी बने हैं। और यहां तक के सरकार ने अनाउंस किया कि जो भी कोई अवैध तरीके से गर्भपात करने वाले डॉक्टर्स के बारे में सूचना दे उसको सरकार 1,00,000 रुपया इनाम दे। ये सूचना किसी को बताया भी नहीं जाएगा कि कहीं पे इस प्रकार से कोई डॉक्टर कार्रवाई करेगा। तो इस प्रकार से कड़े कदम उठाने के पश्चात संकल्प लिया कि पंचकूला को नशा मुक्त पंचकूला बनाना। नशा मुक्त पंचकूला बनाने के लिए आप सब लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। नशे के कारण हमारा यूथ, हमारा युवा, उसकी हालत खराब होती जा रही है। उसकी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कुछ लोग पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं कि केवल पैसा उनको नजर आता है। देश का युवा जो है वो नशे की लत के अंदर पड़ता जा रहा है। मैं बरवाला के अंदर यहाँ के पुलिस के अधिकारी भी होंगे और हमारे जो गांव के सरपंच हैं वो भी आए, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि नशे को रोकने के लिए जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हो मुझे उसका रिजल्ट चाहिए, मुझे उसका रिकॉर्ड चाहिए। और अगर किसी को नशा बेचने वालों की जानकारी है कि फला जगह के अंदर, एक मिनट सरपंच साहब जरा हिम्मत रखो, थोड़ा सा जरा पेशेंस रखो। हाँ, जिसको भी किसी को जानकारी वो जानकारी किसी को मत बताए, मुझे बता, मैं वो गुप्त जानकारी रहेगी। लेकिन जो नशा बेचने वाले हैं उनको हम किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं।